जैसे टाइटल बोलता है ये इश्क नहीं आसा, तो आई थिंक ये शो बताएगा कि लव इज़ नॉट ईजी बट इट इज़ वर्थ इट. एंड हमने काफ़ी इंडिया में काफ़ी स्टोरी सुनी है जहाँ पर दो प्यार करने वाले साथ में नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ सम इशू और दी अदर. एंड आई थिंक बींग एन अमेजिंग स्टोरी टेलर, विकास हैज़ डिपिक्टेड एवरी स्टोरी अमेजिंगली वेल. एंड नरेशन भी उनकी इतनी अच्छी है, तो आई एम एक्साइटेड कि हर लव स्टोरी को उन्हें कैसे लिखा है, लोगों ने कैसे एक्टिंग करी है, तो आई थिंक इट विल बी मैजिक ऑल ओवर अगेन. एस ऑफ स्पेस इज द बिगेस्ट हिट लास्ट ईयर, तो मैं बेवकूफ होऊंगा अगर मैं बिगेस्ट हिट के सारे पॉपुलर फेसेस नहीं लेकर आऊंगा. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव लॉट ऑफ अदर फेसेस आल्सो, वेदर इट्स रोहित और गौरव और एनीवन एल्स. आई हैव पर्टिकुलरली चोजन पीपल हु हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोइंग, सर्टेन अमाउंट ऑफ क्राफ्ट पे कंट्रोल. सी सम ऑफ द एक्ट, सम ऑफ द पीपल हु माइट बी पॉपुलर माइट नॉट बी एबल टू एक्ट. सो नॉट एवरी रियलिटी contestant can become an actor because they will not know how to do it, and some of the contestants might not fit because the age bracket of these shows or the characters are not exactly what we are looking at. But apart from the faces you just saw, there are a couple of new faces we have also launched. So the combination is you'll have a popular face and you'll have a new face, or you have a seasoned actor coming together to make these stories more believable and more fun. Bahut hi acha fun loving hai character. चंडीगढ़ का रहने वाला पंजाबी बंदा है, जैसे मैं पंजाबी हूँ, और कोलकाता में जॉब ढूंढने के लिए जाता है, और जॉब के साथ साथ उसे एक रहने की जगह भी चाहिए, तो इवेंचुअली वो मिल जाती है पीजी के तौर पे. वहाँ पे जो जो लेडी रहती हैं उनके साथ उनकी एक ग्रैंड डॉटर रहती है, वहाँ से जो ग्रैंड डॉटर है वो डोरे डालने शुरू करती है और इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ने लगता है. बट वो क्या है ना, नाम में कुछ ऐसा लिखा है कि ये इश्क नहीं है आसान, तो कोई भी चीज़ लाइफ में जो है वो आसान नहीं होती है, तो ऐसे ही ये इश्क भी आसान नहीं है. बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स और जो पढ़ाव हैं वो मुझे पार करने पड़े, तो लेकिन आपको उसके लिए देखना पड़ेगा. ये जिस तरह का टाइटल है ऑब्वियसली उससे काफ़ी कुछ समझ में आता है दैट इट्स ऑल अबाउट लव स्टोरीज. एंड आई थिंक इंडियन ऑडियंसिस को लव के ऊपर जो एक भरोसा है, आई थिंक दैट कीप्स अस गोइंग ऑन विद यू नो लाइकिंग सच काइंड ऑफ शोज. And such kind of shows only come through Vikas Gupta as far as I know the industry. ये सारे जो love affairs हैं, ये सारी जो love magic है, I think that's he's the only person who can get all of this. So yeah, I am excited for this show because I know how important love is in my life. So yes, I want to watch this show and I'm looking forward कि ये show में क्या होगा. ये इश्क नहीं आसान actually इस तरह का शो है, इसके जो शो का नाम है वो ही बिल्कुल मिलता जुलता है. एंड इश्क एक्चुअली आसान नहीं होता है, तो जो स्टोरीज़ हैं हर एक स्टोरी में आपको ये पता चलेगा कि इश्क एक्चुअली आसान नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपना पार्टनर ढूंढने के लिए. विकास के साथ काम करके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक द काइंड ऑफ स्टोरीज़ ही गेट्स इट इज़ ब्रिलियंट. सबसे पहले आई स्टार्टेड माई एक्टिंग जर्नी ओनली विद हिज शो कॉल्ड प्यार तूने क्या किया. वो वन ऑफ द मोस्ट यू नो स्टिल टुडे वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर्स दैट आई हैव प्लेड. आज तक लोग उस कैरेक्टर को याद करते हैं. आई थिंक वो ही विकास की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है, द वे ही राइट्स, द वे ही क्रिएट्स हिज कैरेक्टर्स, इट्स ब्रिलियंट. फिक्शन शो एक्चुअली बहुत टफ होता है, फिक्शन शो से आप कंपेयर नहीं कर सकते इस चीज़ को, क्योंकि फिक्शन शो में आपकी रियलिटी दिखाई जाती है. एंड यहाँ पे जैसे बिग बॉस में था तो वो आपका जो रियल इमेज है वो बाहर आती है, लेकिन यहाँ पे आप एक किरदार प्ले कर रहे हैं तो डिफरेंस है. और लेकिन मैं रियल की जगह ये करने में ज़्यादा फोकस रखता हूँ और इसको करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है. यार रियलिटी शो में क्या होता है कि यू डोंट हैव डायलॉग्स राइट, और इमोशंस जो होते हैं कहीं हद तक आपके अपने खुद के होते हैं. सो द मेन डिफरेंस आई थिंक जो मेजर वो है कि इन टीवी शो, इन फिक्शन शो यू प्ले अ कैरेक्टर, वेयर एज इन रियलिटी शो यू आर देयर. आई मीन इट वॉज फहद अली इन स्प्लिट्सविला. सो दैट्स द डिफरेंस आई गेस. So hi, this is Divya. I am Varun. Hi, my name is Rohit Suchanti. Hi everyone, this is Fahad Ali. So you guys are watching Times of India. Times of India. Times of India. Times of India.